चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जयपुर से है। भाजपा कार्यालय के लिए भूमि आवंटन को लेकर यह बड़ी खबर है। भाजपा कार्यालय के लिए अब चिन्हित की गई है अजमेर रोड पर जेडीए की योजना। वेस्ट वे हाइट्स में भूमि चिन्हित की गई है। 5677.74 वर्ग मीटर आकार का ये भूखंड है जिसे चिन्हित किया गया है। चिन्हित हालांकि इस भूखंड की संख्या 4 का करीब 822 वर्ग मीटर हिस्सा प्रभावित है। अदालती स्थगन आदेश से भी भूखंड का जो हिस्सा है वो प्रभावित है। ऐसे में जेडीए की आगामी भूमि व संपत्ति निस्तारण समिति में इसको लेकर के विचार किया जाएगा। 4854.76 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन पर विचार किया जाएगा। भाजपा ने रियायती दरों पर भूमि के आवंटन की मांग की है। ऐसे में राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति के अनुसार राजनीतिक दल को भूमि देने का प्रावधान है। विकसित क्षेत्र में आरक्षित दर +15% पर ये प्रावधान रखा गया है। इससे पहले भाजपा कार्यालय के लिए जेडीए ने भूमि को चिन्हित किया। महल रोड पर बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे कॉर्नर भूखंड को चिन्हित किया, लेकिन नाले से प्रभावित होने की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, भाजपा कार्यालय के लिए एक और जमीन चिन्हित की गई है, लेकिन जो भूखंड है उससे जुड़े हुई कई जानकारियां भी सामने आई है। जो चिन्हित भूखंड है वर्ग मीटर में आकार तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ लैंड उसका भी ऐसा जो की प्रभावित है अलग अलग फैक्टर से। क्या पूरी जानकारी इसको लेकर अभिषेक? बिल्कुल ऋषि, जयपुर भाजपा कार्यालय के लिए लंबे समय से पिछले 2-3 महीने से कवायद चल रही है भूमि आवंटन के लिए। पहले बॉम्बे हॉस्पिटल जो महल रोड है वहां पर कॉर्नर का भूखंड पसंद किया गया था, देखा गया था। भाजपा को जो भाजपा संगठन के जो पदाधिकारी है उनको भी पसंद आ गया था वो भूखंड, लेकिन उसमें दिक्कत जो थी वो नाले से प्रभावित था। जो हाईकोर्ट के विभिन्न आदेश हैं नदी नाले को लेकर उससे कहीं प्रभावित था, और इसको लेकर जेडीए ने विधिक राय भी दी थी। उस विधिक राय में भी ये सामने आया कि इसका आवंटन नहीं किया जा सकता। इसी के चलते फिर दोबारा जमीन की तलाश की गई, तो उसके बाद 2008 में अजमेर रोड पर वेस्ट हाइट योजना है जिसमें ये भूखंड संख्या 4 चिन्हित किया गया। इसकी जो जमीन है वो करीब 5600 वर्ग मीटर है, लेकिन इसमें 822 वर्ग मीटर जो जमीन है वो हाईकोर्ट के स्थगन आदेश से प्रभावित है। यही कारण है कि शेष जो जमीन है रहेगी उसी का आवंटन क्लिक किया जाएगा। अगली जो जेडी की जो भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक है उसमें इसे रखा जाएगा, और जो आवंटन नीति है उसमें दर राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन के लिए दर निर्धारित की गई है। और ये भी कहा गया है कि अधिकतम 6000 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया जा सकता है, लेकिन आवंटन नीति में ये भी प्रावधान है कि जो यूडीएच मंत्री है उनके स्तर पर आरक्षित दर के 50% तक और उससे भी कम दर पर कैबिनेट स्तर पर फैसला किया जा सकता है। तो उसी लिहाज से अलग जो भाजपा संगठन है उसकी तो मांग रियायत दर पर देने की है, लेकिन भूमि आवंटन नीति के जो प्रावधान है उसमें भी दर फिक्स है, लेकिन इस दर में जो छूट देने के जो लेवल है वो अलग अलग है। 50% तक यूडीएच मंत्री अपने स्तर पर दे सकते हैं और इससे अधिक छूट के लिए मामला कैबिनेट तक जाता है। तो ये भाजपा कार्यालय को लेकर भूमि आवंटन का ये मामला है जिसको लेकर एक कवायद चल रही है, और आखिरकार एक और जमीन जो है चिन्हित की गई है, क्योंकि जो पिछला भूमि आवंटन था जो पिछली जमीन चिन्हित की गई थी उसमें हाईकोर्ट के आदेशों के चलते देना संभव नहीं था, तो इसी के कारण अब वेस्ट हाइट में भूखंड संख्या 4 चिन्हित किया गया। जी ठीक है, अभिषेक शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।